आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में विंडो 11 कैसे इंस्टॉल करें। और गाइस, आपका जो फ़ोन होने वाला है पूरा एकदम कंप्यूटर में बदल जाएगा, जैसा कि आपने मेरे इस वीडियो के इंट्रो में तो देख लिया होगा। तो गाइस, मैं आपको पूरा एकदम 110% वर्किंग करके दिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप एकदम ध्यान से देखना ताकि आप बड़ी आसानी से अपने एंड्रॉयड डिवाइस में विंडो 11 इंस्टॉल कर पाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अशोक, आप देख रहे हैं अशोक टेक ऑफिशियल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको हमारे चैनल के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट होने वाला 500 लाइक, तो जल्दी से कंप्लीट करवा देना। और गाइस, अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो गाइस मिस्टर अशोक की हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। तो गाइस चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां से इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना बिना स्किप करें, क्योंकि गाइस आज की ये जो वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाली है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने एंड्रॉइड फोन में विंडो 11 कैसे इंस्टॉल करें, और गाइस आपका फोन पूरा पीसी में बदल जाएगा, बस आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखें। तो गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, आपको उसके लिए प्ले स्टोर पर आ जाना है। तो गाइस आपको सर्च बार में लिखना है कंप्यूटर लॉन्चर, तो गाइस आपको सिंपल से यही एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। और तो गाइस एप्लीकेशन हो चुकी है इंस्टॉल, अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ वीडियो पे फोकस रखना है, ध्यान से एकदम देखना है बिना स्किप करे। तो गाइस मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा एकदम परमिशन से। तो गाइस सिंपल से हमें इस पर क्लिक करना है, आपको ऐसा आइकन देखने को मिलेगा, फिर गाइस आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सिंपल से गाइस आप देखेंगे कि आपके फ़ोन में एकदम कंप्यूटर की तरह बदल चुका है। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले गाइस यहाँ पर आपको फ्री वॉलपेपर देखने को मिलते हैं, और फिर गाइस मैं आपको परमिशन भी बताऊंगा। गाइस ये जितने भी वॉलपेपर हैं सारे फ्री हैं, और गाइस जो सबसे अच्छा वॉलपेपर था जो मैंने लगाया था, आपको सबसे पहले मैं वो दिखा दूँ। आपको वो अप्लाई करने के बाद गाइस ऐसा लगता है जैसे कि आपका फ़ोन एकदम यूनिक सा है। तो सिंपल से आपको इस पर आ जाना है, यहाँ पर आना है, एंड गाइस यहाँ पर आपको राइट पे क्लिक करना है। यहाँ से गाइस सारे वॉलपेपर फ्री हैं, आप कोई सा भी वॉलपेपर अप्लाई कर सकते हो अपने एंड्रॉइड फ़ोन में। तो गाइस देख रहे हैं एकदम कम्प्लीटली हो चुका है, लेकिन गाइस अभी अच्छी तरीके से फिक्स नहीं है। तो आप जहाँ भी अभी इस पर क्लिक करोगे तो आपसे परमिशन मांगेगा, जैसे मैं अभी हम पीसी पे क्लिक कर दें तो गाइस आप देख रहे हैं ना यहाँ पर तुरंत आपसे परमिशन मांग रहा है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, जो भी आप चाहें डिस्क का नाम रखने का। तो गाइस आप देख रहे हैं पूरा आपको एकदम कंप्यूटर की तरह आइकन देखने को मिल रहे हैं। एंड गाइस अब आपको बैक करना है, यहाँ से गाइस आपका पूरा सिंपल ही यूज है जैसे एक फ़ोन में होता है। सिंपल से यहाँ से आपका पूरा एकदम फाइल आ गई है, जैसे एक कंप्यूटर में होता है सॉरी, वैसे ही यूज़ होगा एकदम सिंपल। तो गाइस ऐसा होने के बाद फिर गाइस आपको यहाँ पर कोने पर विंडो का एक आइकन देखने को मिल रहा होगा, आपको सिंपल से इसे इनेबल करना है। तो गाइस आप देख रहे हो ना एकदम विंडो की तरह ओपन हुआ, ये एकदम यूनिक है गाइस, आप देख रहे हैं ये। गाइस यहाँ से आप सारी एप्लीकेशन है आपकी यहाँ पर, और गाइस सबसे ज़्यादा खास बात है इस साइड पर, आप यहाँ जैसे क्लिक करेंगे आपके यहाँ पर जितना भी देख रहे हैं ब्लूटूथ वगैरह और वाईफाई जो भी होता है यहाँ से आप अप डाउन कर सकते हो। तो गाइस ये देख रहे हैं ये आपका वॉल्यूम है, एंड गाइस नोटिफिकेशन इनेबल है, कोई भी नोटिफिकेशन आएगी ऊपर की तरफ को आएगी। एक तो यूनिक फ़ोन होने गया आपका एकदम अमेजिंग। और गाइस अगर आप इसे ऑटो रोटेट मोड पे लगा देंगे तो गाइस अब आप देख सकते हैं, तो गाइस हल्का सा वेट कर लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आपका फ़ोन एकदम अच्छी तरीके से एकदम पूरा कंप्यूटर में बदल चुका है। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा होगा आपको, अगर आप अपने फ़ोन में अप्लाई करेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन गाइस अभी फिक्स नहीं है, उसके लिए गाइस आपको क्या करना है, आप जैसे अगर अब अगर इसमें जैसे बीच पे क्लिक करते तो ये कट जाता है, देखने कैसा एकदम नॉर्मल फ़ोन में बदल गया। लेकिन आपको इसे फिक्स कैसे करना है, आपको सीधा सेटिंग में आ जाना है, सेटिंग में आ जाने के बाद फिर गाइस आपको नीचे आना है, स्क्रॉल करके ऐप मैनेजमेंट पे आ जाना है, यहाँ पर क्लिक करके गाइस आपको डिफ़ॉल्ट ऐप पे आना है, और फिर गाइस आपको होम ऐप देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, एंड गाइस आपको कंप्यूटर लॉन्चर पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद फिर गाइस ये आपके फ़ोन में एकदम अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा। अब गाइस आप देख रहे हैं मैं काट रहा हूँ नहीं कट रहा है, और गाइस अब हम लॉक लगा लेंगे, लॉक लगा के अगर आप ओपन भी करोगे ना तो भी गाइस आपको अपनी जो स्क्रीन है उस पर कंप्यूटर लॉन्चर ही देखने को मिलेगा। तो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ से गाइस आप कॉल कर सकते हो, कॉल के भी एकदम बहुत अच्छा इसमें प्रोसेस रहता है, सिंपल से क्लिक करनी है और कॉल आ जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और गाइस कंप्यूटर लॉन्चर आपको कैसा लगा मुझे बताना। और गाइस मैंने आपको 110% वर्किंग करके दिखा दिया अपने एंड्रॉइड फोन में, कैसे आपको इसे फिक्स करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और क्या क्या परमिशन देनी है, मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। तो गाइस मुझे कमेंट करके भी जरूर बता देना आपको ये वीडियो कैसा लगा। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको हमारे चैनल के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, और गाइस लाइक टारगेट जल्दी से कंप्लीट करवा देना बस 500। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मिस्टर सुकी हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। तो कैसे मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।